रोटेशनल मोशन के 99% क्वेश्चंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज यूज होती हैं। कुछ 6 से 7 शेप्स ऐसी हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना ही होना चाहिए, ना केवल सेंट्रल एक्सिस के अबाउट बट एज पर जो एक्सिस हैं उनके अबाउट भी। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे यूज करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज इजीली याद कर पाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। जिन शेप्स की हम बात करेंगे उन्हें लिस्ट डाउन कर लेते हैं। हॉलो रिंग, हॉलो सिलेंडर, थिन स्फेरिकल शेल, सॉलिड डिस्क, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। हम हर ऑब्जेक्ट का सेम मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर लेकर बात करते हैं और सेंट्रल एक्सिस कंसिडर करते हैं जिसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस के पैरेलल है। हर शेप के लिए एम आर स्क्वायर टर्म तो आएगी ही आएगी। अब एम आर स्क्वायर की हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में 2 से स्टार्ट करके 5 तक 2, 3, 4 एंड 5 इस ऑर्डर में लिख दें। मिल गया हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी शेप्स का। यहां नोटिस करें लेफ्ट से राइट जाते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है। पहले शेप्स में एम आर स्क्वायर का मल्टीप्लायर है 1, दूसरी शेप में एम आर स्क्वायर 2/3 यानी 0.6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तीसरी शेप में 1/2 यानी 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड फोर्थ शेप में 2/5 यानी 0.4 से एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। इन वैल्यूज को यहां स्मॉल के से डिनोट कर देते हैं। स्मॉल के बताता है कि सेंट्रल एक्सिस से किसी ऑब्जेक्ट में मास कितना दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग में सबसे दूर होता है और स्फीयर में सबसे पास। आइए देखते हैं कैसे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हॉलो रिंग एंड हॉलो सिलेंडर का सेम क्यों और सॉलिड डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर का सेम क्यों लिया है। देखिए, आपको एक बात याद रखनी होगी, जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं जितना दूर एक्सिस से मास होगा उतनी ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी और जितना उस एक्सिस से शेप का मास पास होगा उतना ही कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी। हॉलो सिलेंडर बना है बहुत सारे रिंग्स को एक के ऊपर एक रखकर। यह मान लीजिए कि एक हॉलो रिंग हो एम मास की या 100 हॉलो रिंग्स हो टोटल एम मास की, दोनों में हर पॉइंट आर डिस्टेंस पर है और इसीलिए जेड एक्सिस के अलोंग लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता है। सेंट्रल एक्सिस के अराउंड इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होगा। सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर बना है बहुत सारी सॉलिड डिस्क से और दोनों का मास सेम है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। रिंग या हॉलो सिलेंडर का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इनमें पूरा का पूरा मास मैक्सिमम डिस्टेंस यानी रेडियस आर पर है एक्सिस से। थिन स्फेरिकल शेल बनी है बहुत सारी रिंग्स को ऐड करके, लेकिन हॉलो सिलेंडर की तरह यहां सभी रिंग्स का रेडियस आर नहीं है। टॉप एंड बॉटम पर ये रेडियस 0 है और सेंटर में आते आते मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है आर, जो कि उसका रेडियस है। क्योंकि यह वैल्यू कई जगह आर से कम भी है इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग या हॉलो सिलेंडर से कम होगा। डिस्क की बात करें तो डिस्क भी बहुत सारी रिंग से बना है जिनका रेडियस 0 से आर तक वेरी होता है, लेकिन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेल से कम होता है क्योंकि शेल के केस में मास बहुत बड़े सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी सेंट्रल एक्सिस से ज्यादा मास दूर है एज कंपेयर टू डिस्क जिसका मास कम सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सबसे कम वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होती है सॉलिड स्फीयर के केस में। सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें तो यह बहुत सारे सॉलिड डिस्क से मिलकर बनता है, लेकिन ये डिस्क का रेडियस टॉप एंड बॉटम में 0 होता है और सेंटर में मैक्सिमम वैल्यू आर होता है। ये वैल्यू कई जगह आर से कम है इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क या सॉलिड सिलेंडर से भी कम होगा। तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग या हॉलो सिलेंडर का, फिर होता है स्फेरिकल शेल का, फिर सॉलिड डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का एंड लास्ट में होता है सॉलिड स्फीयर का। इस नॉलेज को यूज करके आप कई क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे
रिंग एंड सॉलिड स्फीयर को अगर h हाइट वाले इंक्लाइंड प्लेन पर टॉप से छोड़ा जाए तो बॉटम पर कौन पहले पहुंचेगा? अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के इक्वेट करें तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ट्रांसलेशनल होती है और रोटेशनल होती है। ओमेगा की वैल्यू होती है वी बाय आर एंड आई को हम एम आर स्क्वायर और के की टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में इनपुट करेंगे तो वेलोसिटी की ये वैल्यू हमें मिलती है। के की वैल्यू हमने देखी थी सॉलिड स्फीयर के केस में सबसे कम होती है, इसीलिए इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी और टाइम इसे नीचे आने में सबसे कम लगेगा। इसी तरह रिंग को टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। अगर इनकी जगह दो डिस्क रख दें जिनका मास और रेडियस अलग अलग है, फिर किसे कम टाइम लगेगा? अगर दोनों डिस्क हैं तो के की वैल्यू सेम होगी और वेलोसिटी मास एंड रेडियस पर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए इस केस में दोनों को सेम टाइम लगेगा। ग्रेट, अभी तक आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक लास्ट ट्रिक बताऊंगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल होता है। यह थ्योरम स्फीयर्स एंड शेल्स पर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें तो यह सब पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे 2D ऑब्जेक्ट हो या 3D ऑब्जेक्ट हो। जैसे एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं, एक हमारे पास डिस्क है और एक स्फीयर है। डिस्क एक 2D ऑब्जेक्ट है और अगर हमसे पूछा गया है कि इसकी एज पर जो एक्सिस है उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्सिस है वो हमारी जो सेंट्रल एक्सिस जो कि डिस्क के परपेंडिकुलर है उसके पैरेलल है या उसके परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन स्फीयर के केस में नहीं आएगा। एज पर जो एक्सिस है वो हमेशा सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल होगी और हमेशा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ये बात स्टूडेंट्स याद नहीं रखते और कई बार स्फीयर के केस में भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, जो गलत है। डिस्क में अगर देखें तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिकल हैं, और जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसकी वैल्यू हमने देखी थी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के हमें मिलेगा आई एक्स या आई वाई की वैल्यू होगी हाफ द वैल्यू ऑफ आई जेड यानी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एच पर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें पैरेलल थ्योरम लगाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिलेगी। पैरेलल थ्योरम लगाने के लिए हमें सिंपली सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें एम आर स्क्वायर वैल्यू एड करनी होती है। इस तरह हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 3/2 एम आर स्क्वायर मिल जाएगी। अगर एज पर वो एक्सिस की बात करें जो सेंट्रल ऑफ एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो हमें y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस पर पैरेलल थ्योरम लगानी होगी, यानी कि उसमें हमें एम आर स्क्वायर की वैल्यू एड करनी होगी। ये वैल्यू हमें मिलेगी 5/4 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के केस में एज पर जो एक्सिस है उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा सेंट्रल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर, यानी कि एम आर स्क्वायर वैल्यू एड करके यह वैल्यू हमें मिल जाएगी 7/5 एम आर स्क्वायर। इसी तरह आप रिंग और शेल के केस में एज पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज एड करके मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स हैं और एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक्स एक्स डैश दो शेल्स के एज पर है और एक शेल के सेंटर से पास हो रही है। इस केस में जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंडिविजुअली एड करने पर मिलेगा इस एक्सिस के अबाउट। शेल के एज पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 5/3 एम आर स्क्वायर
और सेंट्रल एक्सिस के अबाउट होता है 2/3 mr². तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा दो एज वाली वैल्यू को ऐड करके और एक सेंटर वाली वैल्यू को ऐड करके, यह वैल्यू आएगी 4 mr². मैं उम्मीद करता हूं आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वीडियो से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न किए और अब आप इंपॉर्टेंट शेप्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख पाएंगे। ऐसी और भी ट्रिक्स वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।